Hello viewers, in today's session we would be talking about doing the division using the concept of Vedic maths. और आज के इस division में जो हम सूत्र यूज करेंगे that is अनुरूपेण and परावर्त्य योजयेत. Now let me tell you what is the significance of these particular sutras. अनुरूपेण means proportionality. इसका मतलब अगर हमें कोई भी वैल्यू को प्रोपोर्शनली इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो सो वी कैन डिफाइन अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड दैट इज़ व्हाट अनुरूपेण डिफाइंस. नेक्स्ट इज परावर्त्य योजयेत. ओके, परावर्त्य योजयेत मीन्स ट्रांसपोज एंड अप्लाई. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यहाँ पर अनुरूपेण और परावर्त्य योजयेत यूज करके हाउ वी कैन गो फॉर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन. वन थिंग आई नीड टू कोट यू इज दैट कि जब भी हम ये सूत्र उसको अप्लाई करते हैं सो ऑल द कंसेप्ट ऑल द कैलकुलेशंस आर बीइंग अप्लाइड ओनली टू द डिविजर. डिविडेंड को हम कहीं पर भी किसी भी वे में डिस्टर्ब नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. हम यहाँ पर पहले डिविजर को ही समझ लें. देखिए हमारा डिविजर क्या है, 502 है. नाउ यहाँ पर अगर हमारा 502 है तो दिस नंबर इज नॉट क्लोज टू 1000. क्यों? क्योंकि अगर हम बेस वैल्यू 100,000 10,000 ले रहे हैं तो दिस नंबर इज नॉट क्लोज टू 1000. नाउ हियर व्हाट वी वुड बी डूइंग इज दैट वी वुड एक्सप्लोर वेदर देर इज एनी पॉसिबिलिटी कि इस नंबर को हम 1000 तक ले जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफाइन अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2. तो जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन कर दिया तो दिस इज वेयर वी आर यूजिंग अनुरूपेण मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी. वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी. तो हमारा नंबर क्या हो गया, 1004. इसके बाद हम क्या करेंगे, परावर्ती योजयेत यूज करेंगे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज इट एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई इट. इसका मतलब वी हैव स्टार्टेड विथ 5002 बट वी वुड बी बेसिकली यूजिंग दिस वैल्यू एज द डिविजर. ओके, तो 004 है. ओके, तो दिस इज द वैल्यू वी वुड बी यूजिंग एज द डिविजर. तो हमने यहाँ लिख दिया 502 इंटू हमने किया 2, सो दैट इज 1004. परावर्ती यूज किया तो 004 आ गया. अब हमारा डिविजर क्या है, डिविडेंड, सॉरी 9, 8, 7, 4, 5. कितने प्लेसेस हैं, 1, 2, 3. सो 1, 2 एंड 3 ये हमारा यहाँ पर पार्टीशन हो गया. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द डिविजन. सबसे पहले हमारा 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा. 004 से ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव 0, 0, 9, 4 इज़ 36. 8 + 0 इज़ 8. 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल द 3 वैल्यूज. 0, 0, 8, 4 इज़ 32. हम लास्ट डिजिट तक पहुँच चुके हैं सो दैट इज़ ऑल. नाउ वी नीड टू कंपाइल द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर. ये हमारा 7 हो जाएगा. 36 माइनस में है और प्लस 4 है सो दैट विल बी 32 बार. 32 बार प्लस 5 है सो दैट विल बी 27 बार. 98 हमारा एज इट इज़ हम रखेंगे. ये हमारा 7 होगा, ये 2 इसमें आ जाएगा तो ये 7 बार एज इट इज़ होगा. 32 ये भी नेगेटिव में है सो दिस विल बी 34 बार. अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ किया था, हम इसमें जो हमारा कोशेंट है उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट इज़ 196. ये हमारा कोशेंट आ गया. हम फर्दर अपने रिमाइंडर को सिंप्लीफाई करेंगे सो वी हैव 7, 4. ये 3 माइनस है सो 7 - 3 इज़ 4. अभी भी देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर के जो ये 2 टर्म्स हैं दे आर कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. सो हम क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आई विल बोरो 1 फ्रॉम हियर. द मोमेंट आई एम बोरो 1 फ्रॉम हियर तो ये 4 - 1 हो जाएगा 3. ये हो जाएगा 9 से सब्ट्रैक करेंगे, ये हो जाएगा 0 से. विनिकुलम का लॉजिक यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5 एंड दिस विल बी 3. तो हमारा कोशेंट क्या हो जाएगा, 196 और रिमाइंडर इज 353. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, ये 353 हमारा जो रिमाइंडर है इज इट लेस दैन द डिविजर. तो हमारा डिविजर कितना था, 502 था, डिविजर से कम है सो फाइनली वी कम अप टू द आंसर दैट द कोशेंट इज 196 एंड द रिमाइंडर इज 353. सो कोशेंट इज 196
and remainder is 353. ओके, तो हमें इस कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस कहाँ हैं? पहले तो हमने अपने नंबर को, अगर हम 502 है, तो आई एम कोटिंग यू वन थिंग मोर कि अगर हमारा 502 है तो हम यहाँ पर ध्वजांग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपलर एंड ईजियर कैलकुलेशन, तो हमने ये देखा कि अगर हम अनुरूपेण यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन रिलेटिवली ईजियर हो जा रहा है. तो हमने इसको 004 कर दिया है और सिंपल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ पर है, रिमाइंडर में है. वाई? बिकॉज वी आर हैविंग द नेगेटिव नंबर. इन केस अगर आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है और अगर आपका रिमाइंडर लेस देन द डिविजर है, तो सिंपली वी कैन कंपाइल द आंसर इन दैट सिंगल स्टेप. ठीक है, सो विल टेक अप अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पर एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमने वैल्यू या जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसीडर किया था शुरू में डिविजर के लिए, वही वैल्यू हमें कोशेंट में भी मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 253. 253 की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम ध्वजांक यूज़ कर सकते हैं. अगर हम ध्वजांक यूज़ करें तो 2 की मेन वैल्यू होगी, ध्वज की 53 की वैल्यू हो सकती है. मैंने एक और वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम ध्वजांक का सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और मोर देन 2 डिजिट का भी अगर हमें लेना है, तो वो हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर इसी क्वेश्चन को हमें अनुरूपेण और परावर्ती योजियत से करना है, तो आई शो यू. नाउ सिंपल, यहाँ पर अगर ये नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी 1012. इसका मतलब हमारे बेस वैल्यू से क्लोज आ गया है. अब हम यहाँ पर परावर्ती योजियत यूज़ किए तो हमारा नंबर ट्रांसपोज हो गया. नाउ दिस वैल्यू विल बी यूज एज द डिविजर. अब हमारा डिविडेंड क्या है? 1 2 3 4 5 6. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 हैं. 1 2 3. सो आई स्प्लिट दिस वे, ये मैंने ऐसे कर दिया है. आई हैव रिटन इट लाइक दिस. अब सिंपल, हम 1 को पहले कॉपी कर देंगे, 1 इंटू ऑल द 3 वैल्यू. सो दिस विल बी 0 1 एंड 2. सो ये हो जाएगा 2. 2 से अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0 2 4. सो दिस विल बी 3 माइनस 1, दैट इज 2. अब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 एंड 4. सो 4 माइनस 4 इज 0. ठीक है, 5 माइनस 4 इज 1 1. माइनस 2 इज -1 एंड 6 माइनस 4 इज 2. अब हमारा कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? ये नंबर हमारा नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज दैट, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था? 4. सबसे पहले मैं कोशेंट में 4 मल्टीप्लाई कर लूँगी. सो इट विल बी 488 012. नेक्स्ट थिंग, दिस नंबर इज नेगेटिव, यहाँ से हम बोरो नहीं कर सकते. आई बोरो 1 फ्रॉम हियर. सो द मोमेंट आई एम बोरिंग 1 फ्रॉम हियर, ये हमारा हो जाएगा 487. ये 1 वहाँ पर अगर कंसिडर किया जाएगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर वैल्यू ऑफ डिविजर. तो हमारा डिविजर कितना है? 253. तो आई विल राइट 253. तो ये कितना आ जाएगा? 2 एंड 5. ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें, तो दिस वैल्यू इज लेस देन द डिविजर. ओके, हमारा डिविजर कितना है? 253 है. रिमाइंडर कितना है? 245 है. सो वी आर देयर विद द फाइनल आंसर, एंड द फाइनल आंसर इज क्वोशेंट इज 487 एंड रिमाइंडर इज 245. सो क्वोशेंट इज 487 एंड रिमाइंडर इज 245. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन एंड वॉट वी हैव लर्न्ड, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे डिविजर्स हैं जो कि नियर द बेस वैल्यू नहीं है, अबव द बेस वैल्यू नहीं है, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करेंगे. द मोमेंट वी आर स्पीकिंग अबाउट अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका मतलब हम प्रोपोर्शनेटली वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं. जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो फिर हमारा क्वोशेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा. एंड देन इन केस अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव है, तो वो जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में.
by borrowing a value from the quotient. अगर ये वहीं पर ही accommodate हो सकता है, क्योंकि देखिए इस particular case में हमारा 0, 1 bar and 2 था, तो हम 0 से तो borrow नहीं कर सकते हैं. So we are left with only a choice कि हमें 1 को quotient से ही borrow करना होगा. So depending upon how the question is accordingly, अगर यहाँ पर 1 रहता तो obviously हम इसको 0, 9 and 2 की तरह consider कर सकते थे. Okay, so that was all about today's discussion. Thanks a lot.